अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं ना, मैं हूँ जहाँआरा अब्दुल रहीम शेख, आपकी ऑनलाइन टीचर। बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे ये घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? हमारे ये घर ज़मीन पर बनाए जाते हैं। इस तरह से ज़मीन पर हम रहते हैं, बहुत सारे जानदार रहते हैं। तो आज जो है हम सबक नंबर 3 ज़मीन पर के जानदार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के 3 नुकात हैं। नंबर 1, ज़मीन की पैदाइश। नंबर 2, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। नंबर 3, ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। नंबर 1, ज़मीन की पैदाइश। ज़मीन कहते ही बच्चों, हमारे जहनों में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। मसलन, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो कैसे वजूद में आई? नंबर 2, कब वजूद में आई? आज वो जैसी है, क्या इब्तदा से ऐसी है या बदल गई है? अगर तब्दील हो गई है तो वो ख़ास तब्दीलियाँ कौन सी हैं? साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गिर्द गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए, जिनके नाम हज़्ब-ए-ज़ील हैं। अतारुद, ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरनस, नेपचून। नंबर 2, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। इन तमाम सैयारों में से ज़मीन पर जानदार मौजूद हैं। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद इसके ऊपरी सतह ठंडी होकर इस पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ किस्म के यखलवी जानदार पैदा हुए। प्रोटोजवा नाम से पहचाने जाने वाले इस यखलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। यखलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं। वो सादी आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए खुरदबीन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं। उनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जानवरों की बास खसूसियात यहाँ दर्ज हैं। जानवरों में अमले तनफुस होता है, यानी अमले तनफुस यानी बच्चों सांस लेना और सांस छोड़ना। नंबर 2, जानवर गिजा हासिल करने के लिए या दिगर वजूहत से नकल व हरकत करते हैं। नंबर 3, जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में बाज जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा बच्चों, ये सबक आपके समझ में आया होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको चंद सवाल पूछती हूँ, आप इसके जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, यखलवी जानदार सबसे पहले कहाँ पैदा हुए? बोलो बच्चों। हाँ, यह खलवी जानदार सबसे पहले पानी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, यह खलवी जानदार को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? यह खलवी जानदार को देखने के लिए खुरदबीन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, अभी हमने जो सवालात जवाब देखे हैं, इसको आप क्या कीजिए, अपने बयाज़ों में लिख कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।